नमस्कार दोस्तों आज ये वीकली रैप है कई दिनों के बाद हम बातचीत कर रहे हैं और आज मैं कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूं क्योंकि तो मीडिया में इतना नॉइज है कि वहां पे जो है इश्यूज़ को ठीक से समझा नहीं जाता तो। कल हमने देखा कल 26 नवंबर की तारीख थी और सुबह सुबह के जी साउथ अफ्रीका से करोना का स्ट्रेन आ गया है अब हम लोग सारी दुनिया में करोना से डील कर चुके हैं मतलब अब ऐसा कॉन्फिडेंस है कि जी वैक्सीन भी बन गई है और अगर और कोई स्ट्रेन आएगा तो हम उससे डील कर पाएंगे तो ये मेरे हिसाब से आधे घंटे का इशू था आधे घंटे बाद बाजारों को ऊपर जाना चाहिए था लेकिन जिस तरह का कोलैप्स आया है और बाजार बिल्कुल निचले स्तरों पे बंद हुए हैं हमारी छोड़े अमेरिका तक के बाजार अगर मैं आपको एस एन पी फाइव हंड्रेड दिखाऊँ तो आधा दिन ही खुले थे ये देखें इस तरह की बार अमेरिका में बनी है जबकि एक गैप डाउन के बाद रिकवरी होनी चाहिए थी तो मेरे व्यू में ये जो है ये करोना का चक्कर नहीं है क्यों क्योंकि गिरे तो आप मंडे को भी थे मंडे को तो करोना नहीं था कल एफ ने पाँच हजार करोड़ बेचे हैं वो रेगुलर चार से पाँच हजार करोड़ बेच रहे हैं तो यह कहना कि उनको पता था कि कोरोना का नया स्ट्रेन आने वाला है इसलिए वो बेच रहे हैं ये शायद सही आंकलन नहीं है दूसरी बात ये है कि आप मार्केट का मोमेंटम देखें मार्केट जो है यहाँ पे आपको इसने आठ दस दिन का पुल बैक दिया और नीचे आई इस बारी यह पुल बैक सिर्फ तीन दिन का था और इमीडिएटली और नीचे चलनी शुरू हो गई तो अगर हम देखें तो बाजार का मोमेंटम नीचे की तरफ इंक्रीज हो रहा है तो इसको कहना कि यह कोई बड़ी बाय ऑन डेप अपॉर्चुनिटी है और मैं अक्सर सुनता हूँ कि ये लेने का टाइम है लेने का टाइम है मेरे हिसाब से लेने का टाइम नहीं है क्यों क्योंकि आप पिछले एक साल में दस हजार पॉइंट से ज़्यादा ग्यारह हजार पॉइंट चल चुके हैं और ग्यारह हजार पॉइंट से अगर आप पच्चीस परसेंट निकालें तो कुछ चार हजार पॉइंट बनते हैं जो कि एक बहुत एवरेज और नॉर्मल करेक्शन हो सकता है हॉट मनी आता भी ऐसे ही है इस तरह से आता है और जाता तिगुनी तेज़ी से बाहर है तो इस बात को समझें कि आपके पास हॉट मनी आया था वो हॉट मनी को अब आपके यहाँ वैल्यूएशन कंफर्टेबल नहीं लग रही इसलिए वो वापस जा रहा है अब ये कहाँ तक गिर सकता है मेरे हिसाब से नंबर वन एक तो आपको वेट करना चाहिए गिरावट रुकने का तो मिनिमम आपको ये जो 200 डे मूविंग एवरेज है 16000 तक का तो इंतजार करना चाहिए गिरावट रुकने के लिए और जिस तरह का ये मोमेंटम है इस हफ्ते में हजार पॉइंट आप नीचे आए हैं तो ये बहुत तेजी से नीचे आ सकता है सिमिलरली बैंक निफ्टी में तो मेरे हिसाब से मंडे को ही आप 200 हंड्रेड में तोड़ देंगे बैंक निफ्टी का मोमेंटम देखें रैली जो आपकी आई थी बैंक निफ्टी में शायद सैतीस आठ सौ से आई थी आप ऑलरेडी छत्तीस हज़ार तोड़ चुके हैं बैंक निफ्टी में भी आप सत्रह हज़ार से शुरू हुए थे और आई थिंक बयालीस हज़ार तक गए थे तो वो भी एक बहुत बड़ी चाल थी बीस और तीन तेईस और दो पच्चीस हजार पॉइंट की तो पच्चीस हजार पॉइंट में से भी अगर आप पच्चीस परसेंट निकालते हैं जो कि एक एवरेज करेक्शन हो सकता है तो कुछ 6 सात हजार पॉइंट बनते हैं जिनमें से 6 ऑलरेडी हो चुके हैं तो पंद्रह परसेंट की करेक्शन हुई है और दस परसेंट पॉसिबल हो सकता है तो कह लीजिए और कुछ तीन साढ़े तीन हजार पॉइंट तैतीस पांच सौ तक जा सकता है अब ये क्या है ये बुल मार्केट है ये बियर मार्केट है मेरे हिसाब से ये एक सिक्लिकल बियर मार्केट है विद इन अ बुल मार्केट तो आप ऊपर जा रहे हैं लेकिन उसमें एक आपको बहुत बड़ी और बहुत शार्प करेक्शन देखने में मिलेगी जो कि ऑलमोस्ट अपने आप में एक बियर मार्केट होगी जो लोग बहुत पुराने हैं मार्केट में उनको ये 2006 में याद होगा कि वहाँ पे हम उनतालीस हज़ार से उनतालीस सौ से छब्बीस सौ तक गिरे थे कुछ दो हफ्ते तीन हफ्ते के पीरियड में और वो तीस परसेंट था उस वक्त के टाइम और फाइनली फिर वहाँ से हमने नए हाइज बनाए थे लेकिन वो दो हफ्ते में ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल एक कोलैप्स बाजार कर रहे हैं मैं आपको वो पीरियड दिखा देता हूँ ये देखें ये था कुछ थर्टी एट थर्टी नाइन थाउजेंड और ये देखें पांच हफ्ते में आप छब्बीस सौ आ गए थे ये बहुत बड़ी करेक्शन थी क्योंकि इस बारी आपकी रैली बड़ी है तो आपकी करेक्शन भी बड़ी आएंगी और ये पहली करेक्शन है जो कि एक बड़ी करेक्शन शेप अप कर रही है तो वीकली में अगर आप देखें तो इस बार का आप साइज देखिए ये एक तरह की एक्सपेंशन दिखा रही है नीचे की तरफ करोना तो कंट्रोल हो जाएगा लेकिन इशू ये है कि अगर आप मंथली में भी देखें तो एक वर्टिकल आप सीढ़ी की तरह ऊपर जा रहे थे और पहली बार आपने पिछले महीने का लो तोड़ा है तो अगर हम दो तीन महीने भी अगर ये सीक्वेंस जारी रखते हैं तो आप ठीक ठाक नीचे आ जाएंगे तो अभी जल्दबाजी में बाय करने में बहुत ज़्यादा समझदारी नहीं है क्योंकि तो जो हॉट मनी बाहर जा रहा है वो इतनी जल्दी अपना रुख शायद नहीं मोड़ेगा तो मेरे पास एडवाइस क्या है नंबर एक कि ये गिरावट एक मामूली गिरावट शायद नहीं होगी अगर 25 परसेंट नीचे बाज़ार आ जाए ऊपर से वो बहुत बड़ी करेक्शन नहीं होती लेकिन वो लगेगी बड़ी तो वेट करें एक तो बाज़ारों को सेटल डाउन होने के लिए और वो दो हफ्ते में सेटल डाउन नहीं होंगे ना एक महीने में होंगे अगर आपको दो तीन महीने की करेक्शन भी मिलती है आप यहाँ से देखें ये जो है कई महीनों की करेक्शन थी और यहाँ पे थे आप 9,150 पे और इस करेक्शन के लो पे आप ऑलमोस्ट 7,000 पे थे और उस टाइम पे ये 25 परसेंट करेक्शन थी तो 20 से 25 परसेंट करेक्शन बहुत नॉर्मल चीज़ है तो एक तो बाजारों को वेट करें अपना एस करते रहें क्योंकि एस में ऐसे मौके पे आपको बहुत बढ़िया एवरेज मिलेगी ठीक है तो बाजार का रुख अभी नीचे ही रहेगा और बहुत तेज मोमेंटम के साथ नीचे जाएगा मार्केट क्योंकि तो ऊपर भी वैसे ही गया था अगर आप देखें तो वीकली में ये हमने ट्रेंड लाइन तोड़ी है सवाल ये है कि अब ये डेली चार्ट पे करेक्शन नहीं है अब ये वीकली चार्ट पे करेक्शन है और मंथली चार्ट पे भी ये करेक्शन का आगाज़ हो गया है तो दिसंबर का महीने में काफ़ी परेशानी आपको आ सकती है तो मिनिमम 16000 रखें निफ्टी पे बैंक निफ्टी पे तो हम ऑलमोस्ट 200 हंड्रेड पे पहुँचे हुए हैं देखें रिजल्ट अच्छे थे बैंकों के सब कुछ अच्छा था तो फिर हुआ क्या हुआ ये कि बाज़ार ओवर हो गए तो मेरे हिसाब से अगला पड़ाव आपका जो है कुछ चौंतीस हजार के आसपास होना चाहिए और बैंकिंग में भी क्योंकि बहुत सारे लोग बैंकिंग पे बहुत ज़्यादा बुलिश हैं तो आपको वहाँ भी जो है गिरावट भी उसी लेवल की नजर आएगी अब हम कुछ हैवी वेट्स को एग्जामिन करते हैं यहाँ पे मैंने ये डॉनचेन चैनल लगाया है तो इसको कुछ देर के लिए हम वो कर देते हैं ये देखें ये है रिलायंस रिलायंस में उस दिन ये बहुत लंबी एक हरी बार बनी बट इसका फॉलो थ्रू नहीं आया रिलायंस सत्ताईस सौ पचास से ऑलमोस्ट तेईस सौ का लो बनाया है तो यहाँ भी अभी और आपको गिरावट मिल सकती है ये देखें एच डी एफ सी बैंक साढ़े सत्रह सौ से चौदह सौ नब्बे का लो लगाया है और ये 200 हंड्रेड तोड़ चुका है तो 200 हंड्रेड का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे आपको बुलिशनेस मिलेगी ही मिलेगी ये है इन्फोसिस यहाँ भी ये ट्रिपल टॉप टाइप फॉर्मेशन है टी है यह भी ऑलमोस्ट 200 के पास ट्रेड कर रहा है एच डी एफ काफी तेजी से अपने 200 की तरफ जा रहा है तो आप ये प्राइस एक्शन देखें प्राइस एक्शन बुलिश प्राइस एक्शन नहीं ये है आईसीआईसीआई बैंक तो ये लार्जेस्ट कंपनीज़ हैं हिंदुस्तान लीवर है ये ये है कोटक महिंद्रा बैंक तो हर जगह आपको लोअर लो लोअर हाई मिल रहे हैं तो ये प्रोग्राम अभी कुछ टाइम चलने वाला है इस हफ्ते के लिए जो है अगर आप वीकली की बात करें तो पहला आपका टारगेट होना चाहिए सोलह सात सौ पैंतालीस सोलह चार सौ पैंसठ और अगर इस हफ्ते जैसा वो रहा तो पंद्रह नौ सौ पचास आपका एस थ्री है देखें बहुत शार्प मोमेंटम में आपको लंबे लंबे टारगेट भी कई बारी मिल जाते हैं ऊपर की तरफ सत्रह जो है वो आपका पेवट लेवल है तो वहाँ तक कोई भी रैली जो है वो बेचने का मौका होना चाहिए बैंक निफ्टी में छत्तीस सात सौ जो है आपका पेवट है तो यहाँ तक कोई रैली हो तो आपको बेचना चाहिए नीचे में पैंतीस दो सौ पच्चीस चौंतीस 423 क्योंकि बैंक निफ्टी अब तेज़ी से एक्सपैंड कर रहा है तो ये दो टारगेट्स आप अपने दिमाग में रख सकते हैं क्योंकि अगर कुछ पुल बैक रैली होती भी है तो भी ऊपरी स्तरों पे आपको वापस सेलिंग मिलेगी क्योंकि बहुत से लोग फंस गए होंगे और उनको निकलना पड़ेगा इस वक्त देखें साइकोलॉजी क्या लोगों की है कि फिलहाल के लिए अपना प्रॉफिट बचाया जाए और बाद में देखेंगे क्योंकि इस पूरे डिक्लाइन में काफ़ी हद तक लोगों का प्रॉफिट निकल चुका है ये देखें मैं आपको जूनियर निफ्टी दिखाता हूं जूनियर निफ्टी भी एक तरह का ये डबल टॉप टाइप पैटर्न है और यहाँ भी नीचे की तरफ ये मोमेंटम पिकअप कर रहा है तो बहुत ज़रूरी है कि आप इसको अप्रिशिएट करें कि ये करेक्शन अभी सिर्फ शुरू हुई है और इसमें अभी और स्पेस है नीचे जाने की ये वीकली चार्ट है जूनियर निफ्टी का ये एक बड़ी बार थी थोड़ा सा पुल बैक आया फिर से ये नीचे की तरफ जा रहा है और यहां पे ये लो है बयालीस हजार नौ सौ अस्सी का इसके नीचे अगर हम जाते हैं तो आपको फिर से जो है एक से लो कितना है ये लो है इकतालीस दो सौ का तो इकतालीस दो सौ के नीचे अगर आप जाते हैं तो और ज्यादा मोमेंटम तेज होगा तो मेरे हिसाब से एक बड़ी करेक्शन के लिए आपको तैयार रहना चाहिए अगर आप शॉर्ट नहीं भी करना चाहते तो बाजारों को नीचे जाने दें अभी जो है अभी कुछ भी नहीं हुआ मुश्किल से दस भी आप नीचे नहीं आए नौ परसेंट नीचे आए हैं तो बीस से पच्चीस परसेंट करेक्शन हो सकता है करेक्शन में पार्टिसिपेट करने में दो तरीके होते हैं एक तो अपना पोर्टफोलियो को हेज करें अपना एस कंटिन्यू करें और बहुत जल्दबाजी में ना रहें री इन्वेस्ट करने के लिए क्योंकि एक बड़ी करेक्शन जब आती है तो वो एक दिन में वापस रिवर्स होके ऊपर नहीं भागना शुरू हो जाता और ये जो है जो पिछले साल भर में लोग आए हैं ये वो लोग नहीं समझते हैं कि बाज़ारों के दो साइड होते हैं ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है और जब बाजार में इतना तेज़ मोमेंटम हो तो उस तेज़ मोमेंटम के सामने नहीं खड़ा होना चाहिए तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को कुछ पर्सपेक्टिव मिला होगा मेनली इस वक्त कोई नया पैसा ना लगाएं क्योंकि बाजार बहुत तेज मोमेंटम में है नीचे की तरफ जा रहे हैं लगाएं भी तो बहुत छोटा छोटा लगाएं ताकि वो एक एवरेजिंग के तौर पे इन्वेस्टिंग में आपको हेल्प करे अभी और बाज़ारों ने नीचे जाना है अगर आप मंथली पुट ले सकते हैं तो वो सबसे अच्छा आ, व्यू है इस चीज़ को प्ले आउट करने का क्योंकि तो अभी तो हमने सिर्फ एक हज़ार पॉइंट ऊपर से गवाया है हमने ग्यारह हज़ार पॉइंट जो लिए हैं उसकी करेक्शन सिर्फ एक हज़ार पॉइंट में ख़त्म नहीं होगी तो फिलहाल के लिए इतना ही टेक केयर ट्रेड वेल आपका वीकेंड अच्छा जाए और अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से ज़रूर राय करें